मुझे खुशी है कि हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों पर एक एक विशेषांक निकाला है और वह विशेषांक न केवल तत्काल के लिए पठनीय है बल्कि संग्रहणीय भी है। तो एक ऐसा कार्य आप लोग कर रहे हैं ट्रू मीडिया के माध्यम से जो संकलनकर्ताओं के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए भी है, सामान्य पाठकों के लिए भी है और कविता प्रेमियों के लिए भी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस कार्यक्रम के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा और वह है अभूतपूर्व। जन्मदिन मनाए जाते हैं, उल्लास में वातावरण होता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किंतु उसके साथ ही एक बहुत साहित्यिक वातावरण भी बने और बहुत अच्छे कवि देश के उसमें भाग लें, ये अपने आप में एक नई अनोखी चीज़ हुई कि जन्मदिन जो है वो कवि सम्मेलन के रूप में मनाना है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। और उसके बाद तो जैसे तुम्हारी पत्रिका है ट्रू मीडिया, उसका विशेषांक भी आया, उसके विशेषांक आ जाने से समारोह को और भी चार चांद लग गए और जितने उत्साह से सब श्रोताओं ने इसमें भाग लिया उससे सिद्ध होता है कि कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही उल्लासमय रहा। हंसराज कॉलेज से मेरा संबंध 1975 से है, जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था और 1980 तक मैं यहाँ बीए किया और एमए किया यहाँ से। कॉलेज से तो मेरा बहुत पुराना संबंध है और डॉक्टर रमा जी से भी बहुत पुराना संबंध है। डॉक्टर रमा जी की तरक्की मैंने देखी है और रमा जी की मेहनत, रमा जी की लगन और आज चार पुस्तकें उनकी आई हैं, उनको बधाई देता हूँ। रमा जी बहुत दृढ़ संकल्प वाली महिला हैं, ईश्वर उन्हें उन्नति दे और कॉलेज को और आगे बढ़ाएं। वो ट्रू मीडिया से भी मेरा बड़ा संबंध रहा है। बहुत पहले मेरा एक साक्षात्कार ट्रू मीडिया ने छापा था और बहुत शानदार पत्रिका है ये। इस पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये पत्रिका ऐसे ही दिनों दिन प्रगति करती रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रू मीडिया धन्यवाद, ट्रू मीडिया का भी बहुत आभार। रमा जी से मेरा परिचय 25 साल पुराना है। जब मैं कविता के मंच पर नया नया आया था और हंसराज कॉलेज में उस समय पहली बार कविता पाठ के लिए आया था और उस समय रमा जी का जो संरक्षण प्राप्त हुआ वो आज तक उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। मैंने उनके विविध रूप देखे, एक शिक्षिका के रूप में, एक कवित्री के रूप में, एक साहित्यकारा के रूप में अलग अलग, और एक अब मैं देख रहा हूँ एक प्राचार्य के रूप में। वो ऊर्जा का भंडार है उनके अंदर सच में। तो ये कार्यक्रम वो स्वीकार नहीं कर रही थी कि उनके जन्मदिन पर इस तरह का कार्यक्रम हो, लेकिन हम उनके कुछ उदंड शिष्य हैं जो जिन्होंने कार्यक्रम की रचना की और बाद में उनको मना लिया हम लोगों ने कि हम कार्यक्रम करेंगे इस तरह का। और उसी का आज ये अद्भुत कार्यक्रम हुआ आप सबके सामने। इसमें सब कवियों ने, साहित्यकारों ने, मीडिया ने और ख़ास तौर से ट्रू मीडिया ने एक आहुति इस कार्यक्रम में उन पर विशेषांक निकाल के अद्भुत काम किया है। मैं सबका एक संयोजक होने के नाते इस कार्यक्रम का सबका आभार दिल से व्यक्त करता हूं और एक आज मेरा मन है ये बोलने का कैमरे के सामने कि अब हम 4 जनवरी को हर वर्ष ये कार्यक्रम करें। तो मैं काव्य मंगलम की ओर से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम रमा जी के जन्मदिन पर एक साहित्यिक गोष्ठी के रूप में या एक कवि सम्मेलन के रूप में किसी भी रूप में इस कार्यक्रम को किया करेंगे। यूँ तो जन्मदिन मनाने का एक फैशन हो गया है, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि कायदे से जन्मदिन मनाने का उसी का अधिकार होता है जो इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए कुछ करता हो। रमा जी का इस कॉलेज के निर्माण में, निर्माण का मतलब ये कि जब से इन्होंने प्राचार्य का पद संभाला है तब से लेकर के अद्यतन जो मैं देख रहा हूँ उसमें निरंतर इस उनको चिंता रहती है कि हमारा हंसराज कॉलेज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों से और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचे।
और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि इस योजना में रमा जी निरंतर आगे बढ़ रही हैं और मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ कि मेरे ही ऊपर दो दो बार कार्यक्रम इस कॉलेज ने किया है, तो मैं इस दृष्टि से उनका शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन जो कॉलेज के प्रति, इस विश्वविद्यालय के प्रति, सोसाइटी के प्रति जो उनका समर्पण है कुछ करने का, वो अद्भुत है और हम सारे अध्यापकों को, सारे विद्यार्थियों को इससे बल मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में इन्हीं की तरह कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं पिछले 17 सालों से इस कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस कॉलेज के साथ जोड़ने वाली डॉक्टर रमा ही हैं। आज मैं उनको बधाई देता हूँ उनके जन्मदिवस की, और जो उन्होंने ये चार किताबें आज जिनका लोकार्पण हुआ है उसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ट्रू मीडिया एक बहुत अच्छी मैगज़ीन जिसके बारे में मैंने पहले बहुत सुना है, बट आज पहली बार मैं मिला हूँ और देखा है मैंने कि कितना अच्छा मीडिया, ट्रू मीडिया काम कर रही है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमनाथ है, मैं रमा मैम के साथ बहुत पहले से जुड़ा हूँ। आप कह सकते हैं कि लगभग जब हम युवा थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बालस्वरूप राही जी ने कहा कि उनके बेटे के राह में रमा मैम अपने कॉलेज की, अपने महाविद्यालय जानकी देवी महाविद्यालय की एक वाद विवाद प्रतियोगी के रूप में एक अड़चन सी हुआ करती थी। तो मैं भी उस ग्रुप में से एक हूँ और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मैं भी उनके बेटे की राह में वाद विवाद प्रतियोगी के रूप में एक अड़चन रहा हूँ। कुल मिलाकर रमा मैडम के व्यक्तित्व को आपने अपने ट्रू मीडिया पर प्रदर्शित किया है, मैंने वो वीडियो भी देखा है और आपके इस कार्यक्रम को भी मैं आज पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आपकी ट्रू मीडिया की इस पत्रिका में जो आपने विशेषांक निकाला है 30 और 31 पेज पर, मैंने रमा मैम के बारे में अपने सारे उद्गार प्रकट किए हैं और उतना ही काफ़ी है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं उनको उनके जन्मदिवस पर बधाई ही देना चाहता हूँ और ट्रू मीडिया के विकास की हृदय से कामना करता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ही नहीं पूरे ट्रू मीडिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मुझे लगता है मेरे जीवन का पहला जन्मदिन है जो अविस्मरणीय बना, और ये अविस्मरणीय हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से ये सब होगा। इसका पूरे का पूरा श्रेय ट्रू मीडिया को जाता है, और जिस ऊंचाई तक ये कार्यक्रम पहुँचा, जिस कार्यक्रम में राही जी हों, अशोक चक्रधर जी हों, मतलब कह नहीं सकते कि हमने सच में, मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी कि देखते ही देखते ये कार्यक्रम उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। लेकिन सच में जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की और जिस तरह से सबको जोड़ा और एक अविस्मरणीय जन्मदिन का जो एक तोहफा दिया, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ताउम्र की एक बहुत बड़ी धरोहर बन गई। बिल्कुल रहा एक अविस्मरणीय जन्मदिन, लेकिन इसमें आपकी कर्मठता और आपका जो काम है, जो आप एक पैर से टिक नहीं रही थी, यहाँ भी वहाँ भी सबको संभालना, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है जो पूरा प्रोग्राम इतना अच्छा। नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहूँगी कि ट्रू मीडिया से, अब मैं एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि अब आपका हंसराज कॉलेज से नाता जुड़ गया है जी। आप हमें दिन रात शुभकामनाएँ दीजिए, क्योंकि हंसराज कॉलेज ने सिर्फ एक सपना देखा है, हंसराज कॉलेज ने एक रास्ते पर चलना शुरू किया है उस समय पर जबकि ये माना जा रहा है कि भारत का कोई भी शिक्षा संस्थान विश्व के शेष संस्थानों में प्रवेश करने लायक क्यों नहीं बन रहा। तो हंसराज कॉलेज ने एक सपना देखा है, उसका स्वप्न है कि हंसराज कॉलेज पूरे विश्व में नंबर एक पर आए, और मुझे लगता है अगर ट्रू मीडिया और आज जितने लोग थे ये सब हंसराज कॉलेज के साथ जुड़ जाएंगे तो अगली जनवरी तक हंसराज कॉलेज नंबर एक पर अवश्य आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।